नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। नवगछिया पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र से शराब, हथियार एवं गोलियों के साथ मौके से कई आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। वहीं इसको लेकर पकड़े गए आरोपियों के संबंध में नवगछिया एसपी शांत कुमार सरोज ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामले की जानकारी देते हुए एसपी शांत कुमार सरोज ने कहा कि नवगछिया पुलिस को तस्कर द्वारा मोटरसाइकिल से शराब लेकर जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल सवार युवक को रोककर तलाशी ली, जिसमें गाड़ी से एक बोतल शराब बरामद किया गया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। एसपी ने कहा कि शराब तस्कर ने घर में और शराब रखे जाने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने छापेमारी कर घर से शराब के साथ दो देसी कट्टा और चार जिंदा कारतूस भी बरामद किया। वहीं एसपी ने बताया कि इसके अलावा मद निषेध अधिनियम के तहत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि फेस मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई लोगों से जुर्माना राशि भी वसूल की गई। ये दो उपलब्धि है नवगछिया पुलिस का। दिनांक 19/11 को ये सूचना मिली थी कि होम डिलीवरी लड़का है जो शराब कहीं पहुंचाने जा रहा है। इस सूचना मिलते ही कदवा थाना प्रभारी को सूचित किया गया, उनके नेतृत्व में गठित टीम को गठित किया गया और थाना में उपलब्ध पदाधिकारी एवं जो आर्म पुलिस थी उसके साथ इन्होंने चेकिंग लगवाया, तो फिर जो है पंकज कुमार, आलोक और पंकज कुमार, इसकी गिरफ्तारी हुई चेकिंग क्रम में। तो चेकिंग के क्रम में उनके गाड़ी से शराब का बोतल मिला, डिक्की से 750 का एक बोतल मिला। पूछताछ करने पे उनके निशानदेही पे उनके घर से दो देसी कट्टा, चार जिंदा गोली, एक बिंडोलिया और 750 ml का तीन बोतल और 375 ml का एक बोतल शराब प्राप्त हुआ। ये हम लोगों के पास जानकारी पहले से भी थी कि होम डिलीवरी कर रहा है, सूचना पुख्ता मिलते ही कार्रवाई की गई है। हम लोग इसके खिलाफ जो है स्पीडी ट्रायल भी चलाएंगे, सजा भी दिलाएंगे। और एक अच्छी उपलब्धि है कि हम लोग जो चेन होता है ब्रेक करने का, जो सप्लायर है या जो डिलीवरी करता है, तो अच्छी उपलब्धि है। इस टीम में हमारे जो भी पदाधिकारी थे, थाना प्रभारी हैं वो अनिल कुमार रविदास हैं, PTC कृष्ण कुमार सिंह हैं और आर्म पुलिस, सभी को रिवार्ड ही दिया गया है मेरे द्वारा। एक तरफ जहां देश भर में भागलपुर के जगतपुर झील गरुड़ संरक्षण और प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है, वहीं इस क्षेत्र में ही गरुड़ को गोली मारने की भी खबर सामने आ रही है, जो चिंता का विषय है। दरअसल नाथनगर के मधुसूदनपुर बेलखोरिया पंचायत स्थित राजपुर वार्ड नंबर 4 में घायल अवस्था में खून से लथपथ एक गरुड़ को देखा गया, जिसे ग्रामीणों ने रस्सी बांध कर अपने संरक्षण में रखा। इसको लेकर ग्रामीण विकास यादव ने बताया कि रविवार की देर संध्या उनकी खेत में अचेत अवस्था में एक बड़ा सा पक्षी पड़ा हुआ दिखाई दिया, जिसे देखने के बाद कुछ बड़े बुजुर्गों ने बताया कि यह गरुड़ पक्षी है, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा उसे उठाकर घर लाया गया, जहां उसे रस्सी से बांधकर प्राथमिक उपचार के लिए रखा गया। वहीं इसके बाद इसकी जानकारी मधुसूदनपुर OP थाना को दी गई, लेकिन काफी देर बाद तक कोई भी पुलिस अधिकारी या कर्मी वहां नहीं पहुंचे। विकास यादव ने बताया कि खून से लथपथ गरुड़ को गौर से देखने पर यह प्रतीत होता है कि किसी ने इसे एयर गन से गोली मारी है, जिसके कारण वह घायल होकर अचेत अवस्था में खेत में गिर गया। साथ ही कहा कि पहले तो कुछ ग्रामीणों ने कहा कि इसे काटकर इसका मांस खाएंगे, लेकिन उन लोगों ने इसका विरोध करते हुए इसे सुरक्षित रखा, जिसे वन विभाग के अधिकारी को सुपुर्द कर दिया जाएगा। क्या नाम हुआ? घर ये कहाँ से आया पक्षी? पक्षी बिहार से आया, इसको छर्रा लग गया है। छर्रा मतलब गोली का छर्रा, बिहार में कोई मरा होगा। कहाँ पे इसको लगा है? पंख में लगा। कब से यहाँ पर रही? काल से आया है, काल आया है। सूचना दिए थाना को? सूचना दिया है। भागलपुर में ट्रैफिक समस्या से निजात पाने को लेकर जिला एवं निगम प्रशासन की ओर से शहर के कई चौक चौराहों पर बनवे ट्रैफिक सिस्टम लागू किया गया है, जिसका सही तरीके से अनुपालन कराने के लिए शहर के हर चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग भी हैं जो कानून को अपने हाथ में लेने से भी बास नहीं आते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में ही बनवे ट्रैफिक का उल्लंघन करने वाले लोगों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक की घटना हो चुकी है, जो कानून का पालन
कराने में बाधा भी बनती जा रही है। बता दें कि पुलिस जब ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को अनुशासन में रहने की सलाह देती है और कानूनी प्रक्रिया की बात करती है, तब ये लोग खुद को जनप्रतिनिधि या किसी दफ्तरों में अपने पहचान वालों को फ़ोन लगाकर पुलिस कर्मियों को रौब दिखाते हैं, जबकि चालान काटने की बात पर कई बार हाथापाई की नौबत तक आ जाती है। आलम यह है कि सड़क पर बिना किसी सुविधा के इन पुलिस कर्मियों को हर मौसम में अपने ड्यूटी करनी होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बदसलूकी करते वक्त महिला पुलिसकर्मी तक का ख्याल नहीं रहता और ये उनसे भी बुरा बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। वहीं हाल के कुछ दिनों में इस तरह की कई घटना सामने आ चुकी है, जिसमें राहगीरों और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक के मामले सामने आए हैं, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। हालांकि बीते दिन एक महिला पुलिसकर्मी से हाथापाई की बात सामने आने पर सिटी SP स्वर्ण प्रभात ने इसकी निंदा करते हुए आम लोगों से प्रशासन का सहयोग करने की अपील भी की थी, लेकिन इसका भी कोई प्रभाव पड़ता दिखाई नहीं दे रहा, जो प्रशासन और समाज के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। घटना हुआ, बाइक से आया, वहाँ पे एक महिला सिपाही थी वन वे पे, और ये बाइक जो है कि लेके जबरदस्ती घुस रहा था, तो महिला सिपाही उसको रोका, तो वो नहीं रुक रहा था, जबरदस्ती को कहता हम जाएंगे, तो महिला सिपाही रोकने के दौरान जो है कि गाड़ी से उतर के महिला के साथ जो है कि जो भी मतलब बदतमीजी करने लगा, तो महिला सिपाही जब उसको जबरदस्ती बोल दिया कि आप नहीं जा सकते हैं, तो उसके ऊपर हाथ उठाया, महिला सिपाही पर हाथ उठा दिया। हाँ, महिला सिपाही को जबरन हाथ मतलब हाथ उठाने को कोशिश किया, तो उसके बाद फिर हम इधर जाम छुरा रहे थे, तो फिर हमको पता चला, तो हम गए वहाँ पे गए, तो उससे बात किए, बोले वो जो है कि उसी गुस्सा में हम पे झपट गया और झपटा हमसे, हमको भी गाली गलौज किया, हाथ उठा दिया हमने और बर्दी जो है कि फाड़ दी उसको। राष्ट्रीय जनता दल के विचारों को गांव-गांव तक पहुंचाने और बाल श्रम को लेकर जागरूकता के लिए सोमवार को बिहार सरकार बाल श्रम आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणि हिमांशु भागलपुर के गोराडी प्रखंड अंतर्गत डंडा बाजार फाजिलपुर प्राथमिक विद्यालय पहुंचे। इस दौरान प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद सज्जाद आलम उर्फ भोलू की अध्यक्षता में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व सांसद सर और युवा राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल समेत कई राजद नेताओं ने हिस्सा लिया। वहीं समारोह में मौजूद कई राजद नेताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने चक्रपाणि हिमांशु का स्वागत करते हुए क्षेत्र की समस्याओं की जानकारी दी, जबकि राशन डीलर, किसानों, विद्यालयों समेत कई तरह की व्यवस्था सुदृढ़ करने की मांग की गई। आज RJD की तरफ से एक सभा का आयोजन किया गया था, ग्राम जो है सारा डहरपुर पंचायत के डन्ना बाजार में, तो उसमें मेन उद्देश्य था कि पार्टी RJD को मजबूत संगठन को कैसे किया जाएगा। तो हमने वहाँ बाल विकास आयोग के अध्यक्ष जो हैं चक्रपाणि हिमांशु जी, उनके द्वारा सरकार तक आवाज़ पहुँचाने की बात हमने की। जन जन की जो समस्या है पब्लिक की, दो समस्या हमने रखा कि सरकार तक ये समस्या पहुँच जाएगी तो पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों का विकास होगा, ऑटोमेटिक सरकार को वोट देगी। भारत सरकार द्वारा खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसमें शामिल होकर छात्र छात्रा और युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। इसी को लेकर खेलो इंडिया के तहत आयोजित वुमेन जोनल वुशु लीग प्रतियोगिता में भागलपुर से शामिल होने गई टीम के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इस दौरान भागलपुर वुशु संघ की ओर से खेलो इंडिया में शामिल हुई 4 खिलाड़ी में से जिया कुमारी ने अलग अलग इवेंट में 1 रजत पदक के साथ 1 कांस्य पदक और अर्पिता दास ने अलग अलग इवेंट में 2 कांस्य पदक पर कब्जा कर बिहार और भागलपुर का नाम रोशन किया। जबकि इसके अलावा कृतिका आनंद 56 किलो भार वर्ग फाइटिंग इवेंट में और सृष्टि प्रिया ने 42 किलो भार वर्ग फाइटिंग इवेंट में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया। इसको लेकर भागलपुर वुशु संघ के महासचिव राजेश कुमार शाह ने बताया कि 17 से 20 नवम्बर तक झारखंड के रांची खेलगांव स्थित ठाकुर विश्वनाथ सहदेव इंडोर स्टेडियम में खेलो इंडिया के तहत वुमेन वुशु लीग का आयोजन हुआ, जिसमें वेस्ट जोन के मैच में भागलपुर की टीम ने हिस्सा लिया। राजेश शाह ने बताया कि अगले माह में खेलो इंडिया के राष्ट्रीय वुमेन वुशु प्रतियोगिता का आयोजन होना है, जिसमें ये खिलाड़ी भी भाग लेंगे। इस दौरान टीम के कोच की भूमिका में बेतिया के आलोक कुमार और जज के रूप में भागलपुर के राजेश कुमार शाह ने हिस्सा लिया, जबकि खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन के बाद जिला वुशु संघ के अध्यक्ष डॉक्टर पवन पोद्दार, उपाध्यक्ष डॉक्टर तपन घोष, डॉक्टर मुकेश सिन्हा समेत कई पदाधिकारी और कार्मेल स्कूल के प्राचार्य सिस्टर सेंट्रा
पहुंचा। उपप्राचार्य सिस्टर आशा ने भी टीम के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। ज्योति नर्सिंग होम नाथनगर में स्त्री रोग एवं जनरल सर्जरी आयुष्मान भारत के तहत सब सारे लाभार्थियों का निशुल्क दूरबीन एवं जनरल सर्जरी की सुविधा उपलब्ध है। मैं डॉक्टर अन्वेषा स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, साथ में लैप्रोस्कोपिक एवं रोबोटिक सर्जन। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बेगूसराय में मामूली विवाद को लेकर हुए विवाद में मामा मामी के रिश्ते के भांजे एवं भांजी ने मिलकर जमकर पिटाई कर दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे बाद में इलाज के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के पटेल चौक की बताई जा रही है, जिसमें पीड़िता सोनी देवी और उसके पति सोनू पेंटर पर पड़ोस में रहने वाले उसके भांजे अभिषेक एवं भांजी पूजा ने हमला कर घायल कर दिया। इसको लेकर घायल सोनी देवी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पूजा और अभिषेक द्वारा उसके परिवार के द्वारा गलत काम करते हुए गलत ढंग से पैसे की कमाई की जा रही थी। पीड़िता ने कहा कि पूजा और अभिषेक के द्वारा प्रत्येक दिन अलग अलग लड़कों को बुलाकर घर में गलत काम करवाया जाता था, और जब उसने एवं उसके पति सोनू पेंटर ने इसका विरोध किया तो दोनों ने मिलकर पति पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। वहीं इसके बाद घटना की शिकायत पीड़ित पक्ष के द्वारा बेगूसराय नगर थाने में लिखित आवेदन देकर की गई, जिसमें पूजा और अभिषेक को आरोपी बनाया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। क्या मामला है? गलत कर रही थी घर में, मेरा पति ने बोला कि उसको समझा दे सोनी जाके। हमने उसको कहे समझाने की, वो ऐसे कर रहे, मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, गलत कर रहे। मेरा भाई इतना मार मारा, मेरा पति भी मारा। हमको कौन कौन मारा है? मारा है पूजा, पूजा कुमारी, संगीता देवी, रोहन राम, अभिषेक। बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए सरकार के द्वारा अभियान तेज कर दिया गया है, और इसी कड़ी में जल्द ही 279 जवान प्रशिक्षण प्राप्त कर शराबबंदी कानून को लागू कराने में लग जाएंगे। वहीं राजगीर के CRPF प्रशिक्षण केंद्र में सोमवार को पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया, जिसमें उत्पाद विभाग के 279 जवानों ने कर्तव्य निष्ठा की शपथ ली। इस दौरान मुख्य अतिथि उत्पाद विभाग के आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने सभी नव प्रशिक्षित जवानों के पासिंग आउट परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद उत्पाद विभाग के आयुक्त ने कहा कि CRPF द्वारा विशेष प्रशिक्षण मिलने के बाद सभी जवान प्रशिक्षित सिपाही बन गए हैं, और अब ये सभी अपने अपने क्षेत्र में समाज के लोगों को अपनी सेवा प्रदान करेंगे। उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने कहा कि आने वाला समय काफी महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी भरा होगा, जबकि बिहार सरकार द्वारा शराबबंदी कानून को क्रियान्वित कराना ही उन सबों की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बिहार से झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा सटी हुई है, और यह इलाका काफी संवेदनशील है, इसलिए सभी को अपनी ड्यूटी पूरी तत्परता, निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ करनी होगी। सीतामढ़ी में एक सनकी दामाद ने अपने सास ससुर और मानसिक रूप से विकसित साले पर चाकू से वार कर दिया, जिससे ससुर की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना जिले के परसौनी थाना क्षेत्र अंतर्गत खिरोधर पंचायत कोरा खडकी गांव की है, जहां रविवार की देर रात मृत बच्चे को जन्म देने को लेकर हुए विवाद में सनकी दामाद ने अपने ही सास ससुर और साले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिसमें ससुर की मौत हो गई, जबकि सास और साले को गंभीर हालत में इलाज के लिए मुजफ्फरपुर SKMCH में भर्ती कराया गया। मृतक की पहचान 55 वर्षीय विंदेश्वर महतो के रूप में हुई है, जबकि जख्मी की पहचान 48 वर्षीय उर्मिला देवी और रमेश महतो के रूप में की गई है। वहीं घटना के बाद मौके से फरार होने के क्रम में बेलसन थाना क्षेत्र छोटी बेलसन गांव निवासी आरोपी दामाद चंदन महतो और उसके पिता रामसेवक महतो को ग्रामीणों ने कब्जे में लेकर जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद दोनों पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने अपनी पत्नी को ससुराल में छोड़ दिया था, और 15 दिन पूर्व ही उसकी पत्नी ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया था, जिसको लेकर वह काफी गुस्से में था, और पत्नी को गलत दवा चलाने की बात पर हुए विवाद में उसने रविवार की रात अपने ससुराल वालों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमला यही है कि 7 बजे के लमसम में कुटुंब आया था, और इन लोग को जो है गाली घोष दे करके चला गया है विन्देश्वर महतो के दरवाजे पर। इसके बाद में हम लोग भी आए थे इनके दरवाजे पर, उसके बाद इन लोग हम समझाए हम लोग, और डॉक्टर जो इनको बचवी के पहले से दवा करती थी, वो दवा जो किया डॉक्टर, वो सबको गाली देने लगा है उनका दामाद।
उसके बाद में हम लोग आए थे, इतने में वो चला गया। फिर 10-15 मिनट के बाद फिर आया, उसके बाद हम लोग चले गए अपने घर। जब यहाँ रे हल्ला हुआ है, जब वहाँ से हम लोग आया दौड़ के, इतने में जो है बिंदेश्वर महतो को तो आंगन में मार के गिरा दिया था, ख़त्म था। और रमेश महतो को जो है ये भी बेहोश था, और इनको मम्मी के जो है वो उसको भी 2-3 जगह चाकू मार दिया है। बिहटा सिकंदरपुर गांव में रविवार की देर शाम अपराधियों द्वारा युवक हरेंद्र वर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर ग्रामीणों द्वारा आज लगभग 5 घंटे तक बिहटा आरा मुख्य मार्ग पर शव रखकर आगजनी कर हंगामा किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनकी मांग है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं जाम की सूचना पर दानापुर ASP अभिनव धीमान और SDO प्रदीप कुमार मौके पर पहुंचे और लोगों को बुझाकर जाम को हटवाया। वह इस मामले को लेकर परिजनों ने बताया कि जमीनी विवाद और बैकवर्ड फॉरवर्ड का विवाद को लेकर गोलियां चली थी। गोली लगने से हरेंद्र वर्मा घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह इस मामले का मुख्य आरोपी मुकेश सिंह है, जो अभी फरार चल रहा है। वहीं पुलिस ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की खोज की जा रही है। पुलिस ने कहा कि यह जमीनी विवाद है और इसी विवाद को लेकर के चली थी। हरेंद्र वर्मा सड़क जाम है, सुबह से क्या मांग है, किस वजह से जाम है? मांग तो आपको जनता है, आपके जनता से पूछे अंदर हमारा तो ख्याल है कि यही जो कानून की क्रिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।